नमस्ते दोस्तों, हमारी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम लाए हैं लोनावला का तीसरा और आखिरी पार्ट हमारी सीरीज़ का। और हमारी लोनावला की ट्रिप में हम आपको ये भी बताएंगे कि हम गए थे मुंबई CST से डेक्कन क्वीन ट्रेन में लोनावला तक। और ये जो ट्रेन है वो लोनावला आपको 2 घंटे में पहुंचाती है और पूना आपको ये 3 घंटे 15 मिनट में पहुंचाती है। इसमें जनरल कोच भी है और एसी कोच भी है। ये रहा एसी कोच चेयर कार जिसमें हमने ट्रैवल किया था। तो ये ट्रेन अंदर से ऐसे लगती है, लगेज रखने की भी जगह है यहाँ पे। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा लगेज रख सकते हैं। एंड यू कैन सी द अरेंजमेंट, टू वेज अरेंजमेंट। यू हैव चार्जिंग पॉइंट्स, टॉयलेट, एवरीथिंग आउट हियर। सो मेनी थिंग्स, बेस्ट प्लेस टू कीप लगेज अबाउट। टू वे सीटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। दोस्तों, इन्होंने ट्रेन के हर एक कोच में ऐसी लोनावला और पुणे के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स की फ्रेम्स रखी हुई है ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। और ये हम आपको यहाँ के वॉशरूम्स और टॉयलेट्स भी दिखा रहे हैं कि इंडियन टॉयलेट और जो इंग्लिश टॉयलेट्स हैं वो कैसे हैं यहाँ इस ट्रेन में, डेक्कन क्वीन में। अब हम आ गए हैं और एक टूरिस्ट स्पॉट पे जो है खंडाला लेक। ये खंडाला लेक बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर है। ये आपको सनसेट पॉइंट और मंकी पॉइंट जाने की डायरेक्शन में मिलेगा। ये एक्चुअली खंडाला में है जो लोनावला से 20-25 मिनट की दूरी पर है। और आप देख पाएंगे कितने अच्छे अक्षरों में अच्छे से इन्होंने लिखा हुआ है लोनावला खंडाला लेक, बट एक्चुअली दिस इज़ खंडाला लेक। और दोस्तों, यहाँ पे कभी बोटिंग हुआ करती थी लेकिन अभी नहीं होती है बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट्स, लेकिन यहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। यह बहुत ही बढ़िया जगह है आराम से बैठने के लिए। यहाँ बाहर खाने पीने के भी काफ़ी स्टॉल्स इन्होंने रखे हुए हैं। और आप देख पा रहे हैं आजू बाजू में कितनी अच्छी सी पहाड़ दिख रहे हैं आपको, जो लोनावला खंडाला के फेमस पहाड़ है। और कुछ जगहों पे जहाँ पे बड़े बड़े एक्टर्स के बंगलोज वगैरह भी बने हुए हैं वो भी आपको यहाँ से दिख जाएंगे। सो जस्ट इन्जॉय दिस प्लेस, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैसे बड़े बड़े बंगलोज यहाँ पे बनाए गए हैं और ग्रीनरी में लोग वीकेंड्स बिताना पसंद करते हैं। सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के ही नहीं, नॉर्मल बिजनेसमैन के भी यहाँ पे बंगलोज वगैरह है। यहाँ आसपास में मंदिर वगैरह भी है और काफ़ी शांत है ये जगह। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कहीं से मंकीज ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बंदर हैं, तो आपको अपने फ़ोन का और आपकी कीमती चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है मंकी पॉइंट। एक्चुअली ये एक तरह का शूटिंग पॉइंट भी है। यहाँ पे भी बहुत सारी मूवीज़ और सीरियल्स की शूटिंग की जाती है क्योंकि ये इस तरह से लोकेटेड है। लेकिन ये ज़्यादा फेंसिंग नहीं है यहाँ पे, और जो लोकल यहाँ के ऑटो वाले हैं और जो गाइड है वही आपको इस स्पॉट पर लेके आएंगे। ये स्पॉट काफ़ी डेंजरस है। एक तो यहाँ पर मंकीज़ हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वो आपके हाथ से कुछ भी छीन के लेके जा सकते हैं। दूसरा, आप देख पा रहे हैं कि ये नीचे सीधी खाई है, इन्होंने नेट बनाई हुई है जो आप देख पा रहे हैं, खीले इन्होंने ठोकी हुई है ताकि आप गिर ना जाए इसमें से, आपका पैर अगर इस नेट वगैरह में भी आ जाए तो। लेकिन आपको फिर भी केयरफुल रहना है,
ऐसी जगह पे आप बच्चों का ना लेके जाएं, और अगर आपको फ़ोटो खिंचवानी है तो आप थोड़ा दूर से फ़ोटो खिंचवाएं, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी एज पे जाके, किनारे पे जाके फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये आप मंकीज़ देख सकते हैं, ये इन्हीं के लिए ये जगह बनाई हुई है। और यहाँ पे अगर आपको इस जगह का आनंद लेना है तो कैमल राइड वगैरह है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी आप जानवरों को परेशान ना करें, कैमल्स वगैरह को नहीं। यहाँ पे अगर आपको इस एक्चुअली जगह का आनंद लेना है तो वो जो उन्होंने अच्छे से बैठने का एक पूरा स्लैब बनाया हुआ है, टू जस्ट इन्जॉय द विंड एट दिस प्लेस, आप उस पर बैठिए और इस नज़ारे का आनंद उठाइए। आपको उस चीज़ के लिए नीचे उतर के फ़ोटो खिंचवाने जाने की या फिर इस जगह पे खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। मंकी पॉइंट से थोड़े ही दूर पर है ये सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट से आपको मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे दिखता है। यहाँ पे भी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, आप ज़्यादा फेंसिंग के उस तरफ ना जाए, जो उन्होंने स्लैब बनाया हुआ है, वॉल बनाई हुई है, उसी में आप बने रहेंगे तो आपके लिए ही ये सेफ्टी का एक मैं आपको सुझाव दे सकती हूँ। दूसरा, यहाँ पे भी खाने पीने के काफ़ी स्टॉल्स हैं। आपको यहाँ से अमृतांजन पॉइंट है, ड्यूक्स पॉइंट है, बहुत दिखेगा जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और यहाँ पे लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स में, ऑटोज़ में, बाइक्स में आते हैं और सनसेट का मज़ा लेते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं वॉल जो दिख रही है आपको, ये दीवार के पीछे एक मंदिर है, तो लोग वहाँ पे भी दर्शन करने जाते हैं, देवी देवी का दर्शन करने जाते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया सनसेट अभी हो ही रहा है और हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। सो प्लीज़ एन्जॉय दिस वीडियो एंड दिस एंटायर सनसेट। दोस्तों, ये लोनावला रेलवे स्टेशन है। ये अपने आप में काफ़ी शांत और सुंदर जगह है। आप जैसे ही लोनावला रेलवे स्टेशन पे आते हैं, आपको पता चल जाता है कि ठीक है, हम एक हिल स्टेशन पे आ चुके हैं। और यहाँ पे खाने पीने की ज़्यादा चीज़ें या स्टॉल्स नहीं हैं, तो अगर आप लंबा वेट करने वाले हैं तो कुछ पैक करके कैरी करके लेके आइएगा। तो बस यहीं पे हमारा ये सफ़र ख़त्म होता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।